जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 का फिजिक्स लेकर आया हूँ, जिसका पहला चैप्टर है विद्युत। हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत ही विस्तार से सीखेंगे और बहुत छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा लंबा वीडियो देखने का। देखिए, हम विद्युत बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें कि विद्युत कैसे जन्म हुआ, विद्युत कैसे उत्पन्न हुआ। विद्युत में सबसे पहले चीज आता है आवेश। क्या आता है? आवेश, चार्ज, है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसे हम कभी कभी बड़के क्यू से लिखते हैं, कभी स्मॉल क्यू से लिखते हैं, राइट। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका भी मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, ये कूलाम कैसे आया? कूलाम मतलब ये जो आवेश होता है, आवेश का हिंदी इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। जब हम किसी चीज को चार्ज करते हैं तो उसमें उसमें क्या होता है कि आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये कोई चीज नहीं है, ये बल्कि एक गुण है। ये क्या है? एक गुण है, ये प्रॉपर्टी है। आवेश का एक दो फार्मूला होता है। पहले आवेश का जो फार्मूला था q बराबर क्या होता है? एन ई। देखिए, जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं या घर्षण उत्पन्न करते हैं, जब हम किसी वस्तु को रगड़ेंगे तो एक वस्तु में या तो उस दोनों वस्तु में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे मान लीजिए एक कांच है, राइट। मान लीजिए एक कांच है और यह रेशम की छड़ है, राइट। ये रेशम की छड़ है, ये कांच है। मान लीजिए कांच का डंडा कुछ इस तरीके से और ये रेशम है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, राइट। जब हम कांच की छड़ को, मान लीजिए ये कांच है और ये कांच है, ये रेशम है, जब हम इसको रगड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उन दोनों में से किसी में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जब हम अपने बालों को पेन से या पेंसिल से रगड़ते हैं तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है चपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आकर्षित करने का गुण आ गया। कहने का मतलब उसमें क्या हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। तो आप जैसे कांच है या रेशम है, तो आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा बेसिक से कि अगर हम किसी चीज को हम देते हैं, अगर हम दाता है, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो आप लोगों ने एक ही चीज सीखा होगा कि जब हम किसी को पैसा देते हैं या अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम पॉजिटिव है, राइट। हम किसी को कुछ देंगे तो पॉजिटिव है, और हम अगर किसी से भी ले लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? निगेटिव। लेकिन जो दिया वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कांच है, ये रेशम है, इन दोनों को रगड़ा गया तो ये जो कांच था इस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। इस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। और जो ये रेशम था इस पे आ गया माइनस चार्ज। कैसे आया ये प्लस? क्यों आया? ये जो सारा खेल है, ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है, राइट। ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। आवेश समझ गए कि आवेश क्या होता है? जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं, हम चार्ज कर, वो चार्ज हो जाता है, वहीं से आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश कोई चीज नहीं है, बल्कि आवेश एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसमें जो मेन फंडामेंटल होता है, जो सारा खेल करता है विद्युत धारा पूरे इलेक्ट्रिसिटी का, वो एम्पियर मतलब विद्युत धारा करती है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो अगर जैसे आप लोग पानी बहाए, जब आप पानी बहाएंगे तो क्या कहेंगे? पानी की धारा। और जब आप कोई दूध बहाएंगे तो कहेंगे दूध की धारा। वैसे आप इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ बहाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन बहा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का धारा ही कहलाता है विद्युत धारा। लेकिन सर जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज होता है, तो इस पे इसका भी मान होता है 1.6×10⁻¹⁹, और इसका भी मान होता है, इसका जो आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ माइनस होता है। सर, इसमें अंतर क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन माइनस और ये प्रोटॉन, तो हम प्रोटॉन क्यों नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते हैं? तो बात यह है कि जो एटम होता है मेरा, इसमें रहता है प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन। और जो चारों तरफ से चक्कर लगाता है, वो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने देखा कि जो प्रोटॉन है ये छोड़ के कभी जाता ही नहीं है, तो क्या गति करेगा? जब तक गति नहीं करेगा तब तक धारा होगा या नहीं? धारा मतलब क्या? प्रवाह। तो प्रोटॉन का प्रवाह हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये अपना एटम छोड़ के जाता ही नहीं। प्रोटॉन कभी छोड़ के जाता ही नहीं। जब प्रोटॉन छोड़ के नहीं जाता है, उसमें कोई गति नहीं होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा? नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉन भाई घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, धारा बना रहा है, तो इसी के कारण क्या आता है? विद्युत धारा मेरा उत्पन्न होता है। तो जब ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। किसको दे दिया? रेशम को दे दिया, राइट।
ये इस इलेक्ट्रॉन रेशम को दे दिया, जिस कारण ये प्लस हो गया, और ये ले लिया मतलब जिस कारण ये माइनस हो गया। राइट, आई होप कितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। दूसरा चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, अब वो पागल थोड़ी ना कि अपने मन से जाएगा, नहीं ना। इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए हम ही है, तो मान लीजिए मेरे अंदर कुछ है नहीं, एनर्जी नहीं है, मैं चल नहीं सकता हूं, तो क्या मैं अपने मन से चल सकता हूं? नहीं, मुझे कोई ढकेलेगा। तो जब मुझे कोई ढकेलेगा तभी मैं आगे जाऊंगा, तभी मेरे एक धारा होगा कि मैं प्रवाह कर रहा हूं। राइट, जब आप दूध गिराएंगे तो या आप दूध को ढलान से गिराएंगे कि मतलब वो बहे, आप एक बल लगा रहे हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब बहेगा तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी ना बहेगा, इसको कोई ढकेलता है। कौन ढकेलता है? ढकेलता है वोल्ट। क्या ढकेलता है? वोल्ट। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट आ रहा है कि 420 वोल्ट आ रहा है, इसकी बात हम अलग टॉपिक में करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है? वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन जितना अच्छा वोल्टेज रहेगा, इलेक्ट्रॉन उतनी तेज ले जाएगा, कोई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात यह समझे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, किधर? ये इधर फ्लो कर रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इसका डायरेक्शन इधर है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो वैद्युत धारा की दिशा किधर होगी? तो वैद्युत धारा की दिशा जस्ट इसका उल्टा होता है। वैद्युत धारा क्या होगा? पश्चिम से पूरब, ये होता है इसकी वैद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा। राइट, अब देखिए जो क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर क्या होता है? एनई। क्यू बराबर क्या होता है? एनई। ई क्या होता है? ई इलेक्ट्रॉन होता है। ओ क्यू क्या होता है? आवेश। और एन क्या होता है? संख्या। तो आवेश एक पूर्ण संख्या होता है। राइट, ये पूर्ण गुणज होता है इलेक्ट्रॉनों का। एन का मान कुछ भी हो सकता है, पूर्ण मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। राइट, तो यहां देखिए, और ई का मान हमें पता रहता है, ई का मान 1.6×10^-19 कूलम। राइट, अब आप बताइए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन कह दिया कि चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हूं और इसमें समझते हैं इसको कैसे लगाएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए आवेश जो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्यू बराबर क्या होता है? एनई। क्यू बराबर क्या होता है? एनई। अच्छा, एन क्या है? संख्या है। और ई का मान हमें पता रहता है, ई का मान कितना होता है? 1.6×10^-19। राइट, 1.6×10^-19 कूलम। और एन एक संख्या है और क्यू का मात्रा क्या होता है? कूलम। जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तब हम किससे पता पाएंगे कि हमेशा जो क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो आप सबसे पहले मात्रक पे जाना। मात्रक इसमें देखिए कूलाम है, ये क्या है? कूलाम। अब कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो क्यू का मान कितना दिया है? 1 कूलाम। राइट, अच्छा ठीक है। ई का मान हमें पता रहता ऑलरेडी, जो ई का मान है वो है 1.6×10^-19। राइट, अब देखिए जो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बताना हमें? संख्या बताना। किसका? इलेक्ट्रॉनों का संख्या हमें क्या बताना? संख्या मतलब n। राइट, हमें क्या बताना है? n की वैल्यू। अब आप बताइए फार्मूला क्या होता है? q इक्वल टू क्या होता है? ne। q का मान दिया हुआ है 1 कूलाम और n की जो वैल्यू है हमें ज्ञात करनी है और e की वैल्यू है 1.6×10^-19 कूलाम। राइट, अब देखिए जो n की वैल्यू होगी, इधर भी कूलाम है, इधर भी कूलाम है, तो कूलाम कूलाम क्या होगा? कट जाएगा। तो इसीलिए n की कोई वैल्यू नहीं आती, n का कोई मान या यूनिट नहीं होता। यहां n पकड़ेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे तो 1/1 आएगा। राइट, तो 1/1.6×10^-19। अब देखिए हम 10^-19 से अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1×10^-19 और नीचे क्या है? 1.6। यहाँ पॉइंट है, यहाँ क्या है? पॉइंट। तो हम पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 10 सेकंड में कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ हो जाएगा ये 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और × 10^19। राइट, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10×10^-19 = 16। राइट, अभी तो ये भाग नहीं जाएगा, तो मैंने एक इससे एक उधार ले लिया 0,
तो जब इससे एक उधार ले लेंगे तो इसके पास हो जाएगा 18 और इसको एक जीरो दे दिया तो इसके पास कितना हो जाएगा 100, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 छक्का 96, 6 बचा कितना पॉइंट, 4 लगेगा तो 0, 16 40 होगा तो 16 दूनी 32, फिर कितना आया 8, फिर 0 लगाने तो कितना होगा 16 पंचे 80 × 10^18, राइट। ये मेरा आ गया एन। अब कहने का मतलब ये है कि एक कुलाम में आवेशों का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक कुलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 × 10^18। अब वैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए, अगर 2 कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, आप इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका क्या जाएगा आंसर। अब चलिए एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, ये जो वीडियो है ये काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक अलग पार्ट में लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।